मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन लास्ट क्लास में जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो अपना था यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। इसमें अपन ने देखा था जो किडनी है उसको अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया था, उसको तीन एरियाज के अंदर उसके टिश्यू थे अपने पास। देर आर थ्री एरियाज ऑफ टिश्यू। सबसे पहला अपना था फाइब्रस कैप्सूल था। फाइब्रस कैप्सूल क्या था? सराउंडिंग में था, किडनी के चारों तरफ प्रेजेंट था। सेकंड क्या था? कॉर्टेक्स पार्ट था जो क्या था, रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर थी किसकी, टिश्यू की। नेक्स्ट था अपना मेडुला पार्ट जो क्या था, अपना इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी का मीन्स क्या है? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, यानी कि जिस भी चीज़ पे अपने को स्टडी करनी है उसको अपन बारीकी से अध्ययन करें, वही क्या होती है अपनी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। ये अपना क्या है, यहाँ पे कॉर्टेक्स पार्ट है, ये मेडुला पार्ट है, ये अपना रीनल पिरामिड्स हैं, ये कनेक्शन ऑफ द माइनर माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स है, रीनल ट्यूबुल्स हैं, रीनल कैप्सूल हो गया, यूरेटर हो गया, रीनल पेपलिया हो गया, हीलियम, रीनल पेल्विस है, रीनल साइनस है। ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे माइक्रोस्कोप से अगर अपने स्टडी की तो अपने को ये चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है किडनी जो है वो बनती किससे है। तो किडनी क्या है? कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन एंड ए सिमिलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग ट्यूबल्स। यानी किससे बनती है? लगभग 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट अगर वहां पे किसकी होंगी, नेफ्रॉन की होंगी, और वहां पे अपनी कलेक्टिंग ट्यूबल्स होंगे तो क्या होगा, उससे अपनी किडनी बनती है। जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, यूरिन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। कहाँ से? पिरामिड से। द कलेक्टिंग ट्यूब ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द पिरामिड्स। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस गिव देयर द अपीयरेंस। नेक्स्ट पॉइंट अपना है द ट्यूबल्स आर सपोर्टेड बाय ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फ वेसल्स। यानी कि जो अपने ट्यूब्स जो हैं उनको सपोर्टेड कहाँ से सपोर्ट सपोर्ट मिल रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फ वेसल्स। यहाँ से अपने क्या है, इनको सपोर्ट मिलती है। जो किडनी क्या है, किस चीज़ से मिलकर बनी है अपनी, जो किडनी है वो एक लगभग 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से मिलके क्या है अपनी किडनी बनती है। और उसके साथ में हेल्प कौन करता है, उनकी कलेक्टिंग ट्यूबल्स जो है वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। कलेक्टिंग ट्यूबल्स क्या काम करती हैं, यूरिन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ट्यूबल्स क्या कर ट्यूबल्स किससे सपोर्टेड रहती हैं, सपोर्टेड बाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फ वेसल्स। ये इनसे क्या है, कनेक्टेड रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज की है, नेफ्रॉन की। ये क्या है अपना, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर अपने को कौन सी चीजें मिलती हैं? नेफ्रॉन को अपन ने तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। एक क्या है अपना पीसीटी है, सेकंड क्या है लूपोफेनले होता है, डीसीटी होता है कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये यानी इसके क्या है, चार पार्ट होते हैं पीसीटी। इसके बाद ये क्या आ गया है, वोमन कैप्सूल आ गया, ग्लोमेरुलस आ गया, लूपोफेनले आ गया, डिस्टल डीसीटी आ गई, कलेक्टिंग डक्ट आ गई। इसमें क्या होता है, जितने भी कलेक्टिंग ट्यूब्स जो हैं ठीक है वो क्या कर कलेक्टिंग ट्यूब्स किससे कनेक्टेड रहती हैं अपनी, डीसीटी से। डीसीटी किससे कनेक्टेड रहता है अपना, लूपोफेनले से। लूपोफेनले किससे कनेक्टेड रहता है, पीसीटी से। ये इसकी स्ट्रक्चर है। द नेफ्रॉन इज ए कंसिस्ट ऑफ ट्यूब ट्यूब क्लोज क्लोज एट वन एंड द अदर एंड एंड ओपनिंग इन टू ए कलेक्टिंग ट्यूब। यानी कि जो भी अपनी ट्यूब्स जो हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, और कहाँ पे जाके ओपन होती हैं अपनी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके ओपन होती हैं। यानी कि ये सारी की सारी क्या है, आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और ये सारी की सारी कहाँ पे जाके ओपन हो रही है अपनी, यहाँ पे जाके ये सारी की सारी ओपन हो रही है। द क्लोज और बाइंड एंड इज टू फॉर्म ए कप शेप ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोमन कैप्सूल विच ऑलमोस्ट कंप्लीटली एनक्लोज ए नेटवर्क ऑफ आर्टेरियल कैपिलरीज द ग्लोमेरुलस।
ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है ये किस चीज से मिलके बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है अपने, ये जो है यहाँ पे, ये क्या है, बोमन कैप्सूल है आपका, और ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। जो इसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कंटिन्यू फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैप्सूल द रिमाइंडर ऑफ द नेफ्रॉन इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको अपन ने कितने भागों में डिस्क्राइब किया है, इसको अपन ने 3 भागों में डिस्क्राइब कर रखा है। सबसे पहला अपना कौन सा आता है, द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टेबल्स पीसीटी, सेकंड क्या है, मेडियली लूप, लास्ट क्या है, डीसीटी। और ये कहाँ किससे कनेक्ट रहती है, अपनी कलेक्टिंग डक्ट से क्या है, कनेक्टेड रहती है। इसके बाद अपना आता है सीरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द किडनी, यानी कि जो अपनी किडनी है उसके अंदर ब्लड वेसल्स की कौन सी सीरीज होती है जिससे जो अपनी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो पूरी होती है। तो इसके अंदर क्या होती है, सबसे पहले क्या होती है, रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती है। रीनल आर्टरी के अंदर क्या होता है अपना, जो अपना हार्ट जो है वो जो ब्लड पंप करता है उसका 20% जो है वो क्या करती है, अपनी रीनल आर्टरी ब्लड रिसीव करती है। रीनल आर्टरी ब्लड को रिसीव करने के बाद क्या करती है, कहाँ पे आएगा उसके पास, एफरेंट आर्टरी, और उसके पास ब्लड आएगा। एफरेंट आर्टरी से वो किस में जाएगा, ग्लोमेरुलस में जाएगा। ग्लोमेरुलस से किस में जाएगा, एफरेंट में जाएगा। एफरेंट से किस में जाएगा, कैपिलरी नेटवर्क में जाता है। उसके बाद वो क्या है, रिनल वेन में जाता है। ये इसकी सीरीज होती है। सीरीज में क्या है, रिनल आर्टरी है ये, रिनल आर्टरी के बाद क्या है, एफरेंट आर्टरियोल है, ग्लोमेरुलस है, इफरेंट आर्टरियोल है। इफरेंट और एफरेंट दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, डायमीटर का डिफरेंस होता है। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इफरेंट का डायमीटर कम होता है, जिससे क्या है, प्रेशर से उसके पास ब्लड आता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। किडनी, द किडनी एट द हीलियम, द रीनल आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स। जो अपनी रीनल आर्टरी है वो किन दो भागों में डिवाइड हो गई, आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। इन द कोर्टेक्स एंड आर्टरियोल द एफरेंट आर्टरियोल एंटर ईच ग्लोमेरुलर कैप्सूल देन सब डिवाइडेड इनटू द क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस। यानी कि क्या होगा, द कोर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा, एफरेंट आर्टरियोल्स है वो क्या होगी, एंटर इन द ईच ग्लोमेरुलस कैप्सूल, यानी कि जो अपना ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो है उसके अंदर क्या है वो एंटर हो जाएगी। ये क्या है अपना रिनल आर्टरी है, इसने क्या किया, डिवाइड कर दी, ये कर दी, इसके बाद क्या है, ग्लोमेरुलस के अंदर ये एंटर हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देन सब डिवाइडेड इंटू क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस। इसके बाद क्या होगा, ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन होगी, और क्या होगा, ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये क्या हो गया, इसके बाद एफरेंट आ जाएगा, इसके बाद कैपिलरीज नेटवर्क में ये, उसके बाद क्या होगा, सप्लाइंग नेफ्रॉन, कैपिलरी नेटवर्क क्या करेगा, नेफ्रॉन को सप्लाई करेगा। द ब्लड वेसल्स लीड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज एफरेंट आर्टरियोल्स। ग्लोमेरुलस किससे लीड करेगा, एफरेंट आर्टरियोल से। इसके बाद क्या होगा, इट ब्रेक अप इंटू ए सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क टू द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द रिमाइंडर ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या होगी, कैपिलरी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी, और क्या होगा, वहां पे सप्लाई करेगी किसको, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी कि सप्लाई कर देगी किसको, नेफ्रॉन को। तो इसका मीन्स क्या है, जो अपनी रीनल आर्टरी है वो क्या होती है, रीनल आर्टरी अपनी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स के अंदर डिवाइडेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो एफरेंट आर्टरियोल जो आएगा वो क्या, कहाँ पे जाएगा अपना, ग्लोमेरुलस के पास जाएगा। ग्लोमेरुलस के पास जाने के बाद क्या होगा, वो वहां पे दोबारा से सब डिवाइडेशन हो जाएगा। सब डिवाइडेशन होने के बाद क्या होगा, वहां पे अपनी इफरेंट आर्ट एफरेंट के बाद क्या होगा, अपनी इफरेंट आर्टरियोल्स आएगी। ये क्या करेगी, दोबारा से सेकेंड कैपिलरी, यानी कि जो अपनी कैपिलरीज क्या होती है, ए नंबर ऑफ यूनिट, एक एक मिनट के अंदर कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, किसकी, आर्टरियोल्स की और वेन्यूल्स की, वही क्या होती है, अपनी कैपिलरीज होती हैं। तो ये क्या है, सब डिवाइडेड होंगे यानी कि ब्रेक डाउन होंगी। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करेंगी, ये अपनी जो नेफ्रॉन है उसके पास क्या लेके जाएंगी,
ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को क्या है वहां पे लेके जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा अपना, द वीनस ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कैपिलरी लीव टू द किडनी इन द रीनल वेन विच एम्प्टी इन टू द इंफीरियर वेना केवा। जहां पे भी ब्लड सप्लाई होती है उसके बाद क्या होगा, वीनस रिटर्न होगा, यानी कि जो आपने ब्लड सप्लाई कर दी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपने वहां पे छोड़ दिए, उसके बाद क्या होगा, वहां पे जो हॉर्मोन्स हैं, अदर मटेरियल्स हैं, वो क्या होगा, वहां से आप लेके आओगे। और तो ये किसके पास लेके आएगी, कैपिलरी जो है वो किसके पास लेके आएगी, रीनल वेन के पास लेके आएगी। और जो ये रीनल वेन जो थी अपनी, ये क्या थी, ये कैपिलरीज हो गई। कैपिलरीज क्या करेंगी, सप्लाई कर दी इन्होंने, सप्लाई करने के बाद रिटर्न लेके आएंगी, रिटर्न लेके आएंगी तो किसके पास लेके आएंगी, ये अपनी रिनल वेन के पास लेके आएंगी। ठीक है, और रिनल वेन के पास लेके आएंगे तो रिनल वेन क्या करेगा, रिनल वेन अपना जो इंफीरियर वेना केवा जो है उसके बाद क्या करेगा, इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो उसके पास ब्लड आया था ड्रेनेज होके उसको सप्लाई कर देगा, यानी कि उसके अंदर एम्प्टी कर देगा। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर, द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस इज हायर देन इन अदर कैपिलरीज। तो यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर क्या है, जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, किसकी तुलना में, अदर जो है उनकी तुलना में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियल्स इज ग्रेटर देन ऑफ इफरेंट आर्टरियल्स, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। द ग्लोमेरुलस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है वो किस चीज से मिलके बना होता है अपना, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल से क्या है, मिलके बना होता है। तो अपन बात करते हैं कि ब्लड सप्लाई हो गई, ब्लड सप्लाई होने के बाद क्या होगा, वीनस रिटर्न आएगा, यानी कि जो आपका ब्लड था वो क्या होगा, दोबारा से सर्कुलेट होने के लिए दोबारा से रिटर्न आएगा। तो दोबारा से जब वो रिटर्न आएगा तो कहां पे जाएगा, वो जो अपनी कैपिलरीज जो थी, कैपिलरीज कहां पे लेके जाएंगी, कैपिलरीज उसको लेके जाएंगी रीनल वेन के पास लेके जाएंगी। और रीनल वेन क्या करेंगी, रीनल वेन वहां उसको इंफीरियर वेना केवा जो है ठीक है उसके अंदर वो ब्लड को एम्प्टी कर देगी। ये अपना क्या होगा, वीनस रिटर्न का सिस्टम हो गया। इसके बाद क्या आएगा, जो इसका ग्लोमेरुलस का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, अदर कैपिलरीज की तुलना में ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियल्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इफरेंट आर्टरियल्स, यानी कि इनका डायमीटर जो है क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद आता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो है वो किस चीज से मिलके बना हुआ आपका, द ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, यानी कि जो आपकी एपिथेलियल सेल है उससे क्या है, ये आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल बना हुआ है। के बाद जो रिमेनिंग जो कलेक्टिंग ट्यूब्स वगैरह है वो आपकी किस चीज से मिलके बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल जो है उनसे मिलके बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद अपना पॉइंट आता है, द नर्व सप्लाई टू द ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक नर्व, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड अपनी नर्व सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, ऑटोनोमिक टाइप की अपनी नर्व सप्लाई होती है, जिसके अंदर क्या है, सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक जो नर्व जो है वो क्या करते हैं, इसको नर्व को सप्लाई करते हैं। इसके बाद पॉइंट अपना आता है फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी के फंक्शन कौन से होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है किडनी का फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यानी कि क्या होगा, यूरिन की फॉर्मेशन होगी। देन आफ्टर क्या होगा, वेट वाटर एंड यूरिन आउटपुट, जो आपका वाटर बैलेंस बनाना है इसको और यूरिन के आउटपुट का बैलेंस बनाना है। नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर क्या आएगा, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनको क्या है वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अपना फर्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यूरिन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, द किडनी फॉर्म यूरिन विच पास थ्रू बाय द यूरेटर टू द किडनी ब्लैडर फ्रॉम स्टोरेज प्रायर टू एक्सक्रीशन, यानी कि किडनी ने क्या किया, किडनी
किडनी क्या करती है, किडनी ने यूरिन को पास कर दिया कहां पे, यूरेटर के पास, और यूरेटर ने क्या किया, यूरिनरी ब्लेडर के पास भेज दिया, किस चीज के लिए, स्टोरेज के लिए, और वहां से क्या है वो बाहर निकल जाता है। ये क्या है, किडनी से अपने जो यो उसकी ब्लेडर तक की प्रोसेस हो गई। इसके बाद क्या है, यूरिन को फॉर्मेशन करने के लिए कितनी प्रोसेस है, यूरिन को बनने के लिए, अगर यूरिन बनता है तो अपना किन किन प्रोसेस के थ्रू बनता है। सबसे पहला वहां पे क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद क्या होगा, सिक्रेशन होगा। तो यानी कि जो अपना यूरिन बनता है, यूरिन को बनने के लिए कितनी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है वहां पे, उसके अंदर अपनी तीन प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो भी अपनी रीनल आर्टरी के अंदर जो फ्लूड आया, जो ब्लड आया, वो क्या होगा, सारा का सारा वहां पे फिल्टर होगा। तो अप्रोक्सीमेट कितना फिल्टर होता है पर डे, अप्रोक्सीमेट 180 लीटर जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है अपनी, किसके अंदर, किडनी के अंदर, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि 180 लीटर जितना वो फ्लूड होता है वो सारा का सारा क्या है, यूरिन नहीं होता, उसको क्या है, दोबारा से जो अपनी किडनी के जो पार्ट्स जो हैं वो क्या है, रीअब्जॉर्ब करेंगे उसको, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा, उसमें से 97 से 98% तक क्या है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, वो सिक्रेशन के लिए अपने पास मटेरियल बच जाएगा, तो वो सिक्रेट हो जाता है। अप्रोक्सीमेट कितना पर डे कितना सिक्रेट होता है, 1 से 1.5 लीटर जो अपना यूरिन जो है वो क्या है, सिक्रेट होता है। के बाद अपना आता है सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या है, एफरेंट और इफरेंट आर्टरियल्स जो है इसका प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है। इसके बाद क्या है, ग्लोमेरुलस आ गया, ये बोमन कैप्सूल हो गया, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हो गया, ये पीसीटी हो गई, ये सीरीज जो है इसके अंदर है अपनी। ये डायग्राम आपको बनाने हैं जिससे क्या है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे जो ब्लड की सीरीज जो अपन ने पढ़ी थी उसके अंदर क्या था, एफरेंट था, ठीक है, रिनल थी, रिनल के बाद एफरेंट था, उसके बाद क्या था, ग्लोमेरुलस आ रहा था, उसके बाद दोबारा से एफरेंट आ रहा था, उसके बाद क्या, ये सारी की सारी क्या थी, वही चैन है। तो ये डायग्राम आपको बनानी है। इसके बाद अपना आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे होता है, फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू द सेमी परमेबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। यानी कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है अपना, ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल में क्या है अपना फिल्ट्रेशन होता है। वाटर एंड ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास थ्रू ऑल थ्रू, सम आर रीअब्जॉर्ब लेटर। कुछ तो क्या है पास हो जाते हैं, कुछ क्या है बाद में रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस उसके अंदर क्या है, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ब्लड सेल, प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू फिल्ट्रेट थ्रू एंड रिमेन इन कैपिलरीज। यानी कि जो अपनी ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है और जो अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, फिल्ट्रेट होने में अनेबल रहते हैं। तो क्या है, ये सारे के सारे क्या है, अपनी कैपिलरीज के अंदर डिपोजिट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलस इज वेरी सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा विद द इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। यानी कि ग्लोमेरुलस क्या है, कंपोजिशन किसके लिए करता है, द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलस इज वेरी सिमिलर कंपोजिशन टू प्लाज्मा विद इम्पोर्टेंट
एक्सप्रेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या आएगा, फिल्ट्रेशन इज असेंशियल बाय द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलस कैप्सूल। फिल्ट्रेशन क्या होता है, किसी भी दो चीज के अंदर से अगर जो प्रेशर कम ज्यादा होगा तभी क्या है वहां पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। और अपन ने बात की थी कि एफरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है, एफरेंट आर्टिकल्स इज लेस देन दैट इज द एफरेंट आर्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 7.3 केपीए जो है क्या होता है कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, और इसको अपन मर्करी में डिवाइड करते हैं तो 55 mm ऑफ Hg होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, 4 kPa होता है, 30 mm ऑफ Hg हो गया। फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है इसका, 15 mm ऑफ Hg हो गया। ये क्या है, इसका प्रेशर है, अपने किडनी के अंदर जो प्रेशर जो प्रेजेंट रहते हैं वो ये सारे के सारे क्या है प्रेशर होते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा अपना, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, कैपिलरी प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर देन फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो अपना कैपिलरी का प्रेशर कितना था, 7.3 था, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था, 4 था, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना था अपना, 2 था, तो कितना हो गया अपना 1.3 kPa हो गया। और अगर अपन इसको दोबारा वैसे देखते हैं तो 10 mm of Hg क्या हो गया अपना प्रेशर हो गया, कौन सा नेट फिल्टरेट प्रेशर जो अपना है वो कितना होता है 10 mm of Hg हो गया। इसके बाद अपना आता है GFR क्या होती है, GFR क्या होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, अपनी जो किडनी है वो एक मिनट के अंदर कितना जो यूरिन है उसको क्या कर रही है फिल्ट्रेट कर रही है, वही सारा का सारा क्या होता है कितनी वॉल्यूम यानी कितना अमाउंट जो है वो ब्लड को फिल्ट्रेट कर रही है वो क्या होता है अपना GFR होता है। तो एक हेल्थी एडल्ट का GFR कितना होता है एक मिनट के अंदर, वो क्या है 125 ml पर मिनट क्या है वो फिल्ट्रेट करता है। और इसको अपन पर डे के अंदर डिवाइड करते हैं तो एक दिन के अंदर जो अपनी किडनी है वो कितना फिल्टर करती है 180 लीटर क्या है फिल्टर करती है। ये क्या है अपनी नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है। तो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर कितना हो गया अपना 10 mm of Hg हो गया। GFR कितनी हो गई अपनी 125 ml पर मिनट हो गई। देन आफ्टर अपनी जो किडनी है वो पर डे के हिसाब से अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो कितना फिल्ट्रेट करती है 180 लीटर वो है जो अपना डायल्यूट फ्लूड जो फ्लूड है उसको फिल्टर करती है। इसके बाद क्या आएगा अपना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की अपन बात करते हैं तो अपना कहाँ कहाँ पे होता है कैसे कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन थ्रू द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के दौरान क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है अपना, ये अपना पूरा का पूरा क्या है रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये यहाँ से आएगा, ठीक है, आके ग्लोमेरुलस में गया, कैप्सूल में गया, पीसीटी में गया, पीसीटी में जाने के बाद लूपो फैलने में गया, लूपो फैलने के बाद डीसीटी में गया, डीसीटी में जाने के बाद जो अपने ट्यूबल्स जो है ये कहाँ पे ओपन हो जाती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर क्या है ओपन हो जाती हैं। इसके बाद क्या होगा रीनल पेल्विस के थ्रू ये एक्सक्रेशन के प्रोसेस के दौरान पहुँच जाती हैं। ये अपनी क्या है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। प्रोसेस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले पीसीटी में जाएगा, लूपो फैलने में जाएगा, डीसीटी में जाएगा, और ये सारी की सारी ट्यूब्स जो ओपन कहाँ पे होती है अपनी कलेक्टिव डक्ट्स के अंदर क्या है अपनी ओपन हो जाती है। ये इसकी क्या है प्रोसेस होती है। तो एक ये डायग्राम भी है जो आप बना लो जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएंगी ये चीजें।
देन आफ्टर क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है। सिलेक्टेड रीअब्सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आर अल्टर्ड ड्यूरिंग इट्स पास थ्रू द ट्यूब्यूल्स लूप एंड कलेक्टिंग ट्यूब्स। ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा था, जो अपना फिल्टर किया हुआ मटेरियल था वो उसके बाद किसके पास आएगा रीअब्सॉर्प्शन होने के लिए, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस के लिए कहाँ कहाँ पे आएगा, अपने जो अपने पीसीटी डीसीटी लोपोफाइलेज जो है इनके पास ये आएगा, और उसके बाद किस में चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाएगा। कुछ चीजें क्या होती हैं जो इजीली रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, तो वो क्या है अपनी कहाँ पे प्रेजेंट रह जाती हैं, यूरिन में ही प्रेजेंट रह जाती हैं। अब अपन बात करते हैं कि ट्यूब्स के अंदर कहाँ कहाँ पे कितना कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी के अंदर कितना है अपना टोटल रीअब्जॉर्प्शन जो था उसका 65% क्या है रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सेकेंड अपना है लोपोफेलने, लोपोफेलने में कितना परसेंट होगा 25% अपना जो है वो रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद डीसीटी में कितना होगा 5% अपना डीसीटी में हो जाएगा। देन आफ्टर अपना कलेक्टिंग डक्ट्स के पास जाएगा तो कितना बचेगा वहाँ पे 2 से 3% कहाँ पे होगा अपना कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जाके हो जाएगा। तो पीसीटी के अंदर कितना होगा अपना प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो है उसमें कितना होगा 65% होगा। लूपोफिलने में कितना होगा 25%, डीसीटी में कितना होगा 5%, कलेक्टिंग डक्ट्स में कितना होगा 2 से 3%। ये क्या है अपना रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है और ये अपना रीअब्सॉर्ब हो जाता है। देन आफ्टर जो रिमेनिंग बचता है उसको क्या है अपन सिक्रेशन के लिए बाहर हो जाता है, अपना सिक्रेशन के थ्रू बाहर हो जाता है। तो पीसीटी में कितना होगा अपना 65% हो जाएगा टोटल रीअब्सॉर्प्शन का, लोपो फैलने में अपना 25% हो जाएगा, डीसीटी जो अपना डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूबल्स उसके अंदर कितना होगा 5% हो जाएगा यानी कि 5% हो जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट्स जो है उसके अंदर कितना होगा 2 से 3% जो अपना रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। अगर अपन डायग्राम में जाते हैं तो डायग्राम में क्या होगा, ये अपना क्या है पीसीटी है। ठीक है, पीसीटी के अंदर कितना होगा यहाँ पे अपना 65% यहाँ तक अपना क्या है रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना आता है लूपोफिलने, ये क्या है अपना ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है लूपोफिलने की स्ट्रक्चर है। तो लूपोफिलने में कितना होगा यहाँ पे आप लिख लो 25% जो है कहाँ पे हो जाएगा अपना लूपोफिलने के अंदर हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर ये आपका है डीसीटी। ठीक है, डीसीटी के अंदर आप लिखो यहाँ पे 5% जो है यहाँ पे आपका रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 5% रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगी। देन आफ्टर जो आपकी ये जो ट्यूबल्स हैं ये कहाँ पे ओपन हो रही है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके ओपन होंगी, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 से 3% यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका ये 65, 25, 5, यानी कि आपका कितना बचा 2% बचा, यानी कि वो क्या होगा रीअब्सॉर्प्शन में बाहर निकल जाएगा, वो आपका एक्सरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता। तो यहाँ पे आप लिखो 65% कहाँ पे हो गया आपका पीसीटी के अंदर हो गया, लोपोफिलने के अंदर आपका 25% लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है डीसीटी के अंदर आप अपना 5% लिख लो, और कलेक्टिंग ट्यूबल्स डक्ट के अंदर आप अपना लिख लो 2 से 3%। ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके थ्रू क्या है आपके सारे की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है प्रोक्सिमल पार्ट जो उसको अपन क्या बोलते हैं पीसीटी बोल दिया, और जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे लूपोफिलने बोल देते हैं, जो डिस्टल पार्ट है उसको अपन क्या बोल देंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स बोल देंगे। अगर अपन ने जो नेफ्रॉन का डायग्राम था उसमें अगर अपन बात करते हैं तो नेफ्रॉन के डायग्राम में ये अपना नेफ्रॉन है, ये क्या है प्रोक्सिमल पार्ट है, यहाँ पे कितना हो गया 65% हो गया। अब यहाँ से ये चलेगा यहाँ पे आया अपने पास, ठीक है, और यहाँ से आके ये फिल्ट्रेट हो गया, अब यहाँ पे चलेगा रीअब्सॉर्प्शन के लिए। तो इस प्रोसेस में 65% तो आपका यहाँ तक रीअब्सॉर्ब कर लेंगी ये। उसके बाद ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनी, ठीक
ठीक है, लूप लाइक स्ट्रक्चर जो बनी ये कितना कर पाएगी, 25% ये लूप कर लेगा। देन आफ्टर क्या है अपना डीसीटी, डीसीटी कितना कर लेगा अपना 5% अपना डीसीटी कर लेगा। डीसीटी के बाद ये यहाँ पे ओपन होंगी, ठीक है, और ओपन होंगे तो ये आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कितना कर लेगी, 2 से 3% कर लेगी। देन आफ्टर इस नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।